जीआर लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। जो मैंने परसों लाइव देखा विक्की बत्रा जी का, तो गांवों के हक में, जो गांवों के हक में है, तो और हमारे जो नंदी के जो फाजिलका में इतनी फिर रही हैं गौएं, तो हमारा गौशाला वालों का और सभी का मिल करके, हम सभी मिल करके जो संगठन और सभी जो हमारे धार्मिक के संगठन, जो कोई कमी आती है गौशाला में, तो मंदिरों के ऊपर भी करा जाए और हम लोग भी तैयार हैं, जैसे वो भी तैयार है, तो सभी कोई मिल करके इसको, और हमारे जो सदस्य, हमारे ब्राह्मण सभा के सभी सदस्य और हमारे संजीव जी का भी बहुत सहयोग है, तो ऐसे हम इसको मिल करके पिछली साल गौओं का भूचर खाना पकड़ा गया, तो हमने हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारे बनाया हुआ हमारे सैनिक प्रधान जी, हमने मिल करके वकील को, सभी मिल करके, जिनों का हमारे बजरंग दल वालों का, शिवसेना वालों का बहुत बहुत सहयोग था, और जा करके फिर बीच में वो लड़ाई वहीं पे छूट गई और फिर से वो काम अब दोबारा साल के पहले हो गया हो, तो ऐसा काम ना आए। जो हम लड़ाई उठाते हैं, तो इस लड़ाई को सोए मत, सारे जागो, जाग जाओ, जागने का समय है, नहीं तो फिर वही समय आया, गुलामी का समय आया तो गुलामी करोगे, इसलिए जाग जाओ, गौओं की रक्षा करोगे, देवी देवता भी उस पर गौओं में विराजमान है, तो गौओं की रक्षा करोगे तो सब आपकी रक्षा होगी, नहीं तो एक दिन आप लोगों का भी यही हाल होगा, जो आज हो रहा है गौओं का, वो आपका भी हाल होगा। सभी हिंदुओं को जागने की जरूरत है, इसलिए सभी फाजिलका वासियों को, सारे हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से अनुरोध है कि जागो और अपनी गौ माता को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, और जो फाजिलका के अंदर गौओं का चल रहा है, जो हम किसी प्रधान के, कोई किसी के बारे में हम वो नहीं कर रहे, पर जो गौओं की है, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमको धरना लगाना पड़े, चाहे हमको भूख में बैठना पड़े, चाहे हमको, तो हमारा तो जीवन ही हुआ है मरने जीने के लिए, सनातन के लिए मरेंगे, सनातन के लिए जिएंगे, और गौ माता के लिए हमारे संतों ने इंदिरा गांधी के आगे देखो, हमारे दिल्ली में उस समय हमारे साधु संतों ने कितना वो लगा दिया, शर्त हमारे साधु संतों ने रखा था कि गौ हत्या बंद किया जाए, तो हमारे साधु संतों की आज की लड़ाई नहीं है, हमारे पहले से लड़ाई लड़ी, हमारे जूना अखाड़े के पहले से लड़ाई लड़े हैं और लड़ते जाएंगे, इसलिए सभी हमारे भक्तजनों से, गौ रक्षकों से हमारी अनुरोध है, हाथ जोड़ करके गौ माता के लिए, तो अपनी माता से बढ़कर है, किसी की माँ मर जाती है तो वो गौ माता का दूध पी करके जी जाता है, इसलिए मेरे फाजिलका वासियों से सभी से अनुरोध है कि गौ माता की लड़ाई पीछे नहीं हटना, आप लोगों को अपने माँ बाप की सौगंध है, वो सौगंध खा करके आप बोलो कि हिंदू है और आगे हमें लड़ाई नहीं सोएंगे, अगर तुम लोग सो जाओगे तो ये कार्य नहीं होगा। आज फोटो कराने के लिए मैं भी आ गया, फोटो कराने के लिए, अगर इस फोटो कराने से नहीं होगा, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, अगर इसकी कार्रवाई नहीं होगी प्रशासन के खिलाफ बैठेंगे, किसी के भी, हम किसी के एक निजी के आदमी के लिए, कोई गौशाला के खिलाफ नहीं, अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम किसी हद तक जा सकते हैं, ये आप संकल्प लेकर के, और गौओं का हल होना चाहिए, इसलिए सभी फाजिलका वासियों से और सभी राजनीतियों पार्टियों से मेरी अनुरोध है कि इसका हल होना चाहिए, जब तक हल ना हो, ये आने से फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता, जब तक हल नहीं हो, तो जब तक आप मेरे को फाजिलका में, आज मैं कह रहा हूं, जब भी मेरे को कहोगे, पर मैं कोई राजनीति में नहीं, ना उसमें नहीं, जब भी कहोगे तन मन धन के लिए मैं तैयार रहूंगा, गौओं की रक्षा के लिए, और गौओं की जो हमारे संतों ने निछत्र गोलियां चल गई, जब हमने गौओं के लिए, हमारे साधु संतों ने जब वहां पर बैठे तो निछत्र हमारे साधु संत मारे गए, आज की नहीं लड़ाई हमारे साधु संतों ने कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, और गौओं के लिए हमारे साधु संतों ने कई बलिदान हुए, निछत्र गोलियां चल गई, तो भी हम हार नहीं माने हमारे साधु संतों ने, इसलिए हमारे भक्त जनों से, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि गौओं के लिए करोगे तो आपका जीवन भी और आपके घर में भी सुख शांति रहेगी, हाथ जोड़ करके मेरी निवेदन है, यही इतना बोल करके, जो मेरे हमारे कार्यकर्ता, हमारे संजीव शर्मा जी और विनोद शर्मा जी, जो भी हमारे फाजिलका वासी, सभी भक्त जनों का बहुत, उस दिन रात को 12-1 बजे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे कार्य है गौओं का, किसी को फोन करके क्या, कोई कोई विक्की बत्रा ही फोन करे किसी को, सभी को
सभी का ये फर्ज है, हम हिंदू हैं, तो जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, किसने उठाया कि अपना जागे, उनका सहयोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो उन्होंने ये वाला उठाया, तो हम सब कोई जागे और हमारे भक्तजन हम लड़ाई को पीछे नहीं हटेंगे। ये आप संकल्प लो आज, नहीं तो फिर सो जाना घर में जाकर के, फिर एक दोबारा मत ये कहना। हम सोएंगे नहीं, सौगंध खाओ, बोलो हम, आप सोओगे नहीं सोओगे, तो हम गौशाला में और जो दंदीशाला में है इसका हल करके ही उठेंगे। हम कल से शुरुआत कर दें गऊओं का अंदर करने के लिए, जो उन्होंने कहा है, जो सबसे सहयोग बनेगा, चाहे हमको मांगना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, गऊओं का हल करके ही रहेंगे। मेरी इसीलिए सबका सबके लिए हृदय से मेरी साधुवाद है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मेरी वाणी से कोई अशब्द निकला हो, किसी को ठेस लगा हो, तो मेरे से पूछ भी सकता है, मेरे डेरे में भी आ सकता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।